हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ना है। और इसमें हम लोग सबसे पहले ग्लोसरी के जो टर्म है उसको देख लें। फर्स्ट है अपर थाइट, इसको हम लोग रंग भेद बोलते हैं। द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स एंड ब्लैक्स followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. रंग भेद को हम लोग स्पेशली ब्लैक एंड वाइट को लेकर बात करते हैं, चर्चा होती है। साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1989 तक जो भी नीति अपनाई गई थी नस्लीय भेदभाव को लेकर, उसको हम लोग एपार्थाइड बोलते थे, रंग भेद। सेकेंड है क्लॉज, उसको धारा अनुच्छेद बोला जाता है। और डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज का एक हिस्सा या अनुच्छेद, पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं हम लोग, कि वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, किसी देश के का शासन कैसे चलेगा उसके लिए जो संविधान तैयार करती है सभा, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक या संविधान सभा बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्नमेंट गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन कंट्री। तो ये डिफिनेशन है कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है, कहा जाए तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं। तो इसको हम लोग संविधान बोलते हैं, इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, नियम कानूनों का संग्रह, इसको हम संविधान भी कह सकते हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो संविधान बनेगा उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होने चाहिए, संशोधन भी होने चाहिए। अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा, तो संसद होती है जो उस देश के संविधान में संशोधन करती है, बदलाव करती है, तो उसको हम लोग संवैधानिक संशोधन बोला जाता है। ड्राफ्ट, प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट, प्रारूप बोलते हैं इसको, किसी कानून दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, शुरू में जो एक ड्राफ्ट बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं। फिलोसफी, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलेइंग वंस थॉट एंड एक्शंस, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार जिस पे कोई काम हम लोग करते हैं। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द ओरिजिन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। और संविधान का बहुत पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और धारणाओं को सामने रखता है, स्पष्ट ढंग से बात करता है। जैसे हम लोग का भी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो स्टेटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। ट्रेजन, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विच द ऑफेंडर ओज एलिगेशन, देशद्रोह बोलते हैं, देश की सरकार को हटाने की कोशिश करने वाले अपराध को देशद्रोह बोलते हैं। ट्रस्ट, अ मीटिंग आर मीटिंग प्लेस दैट हैव बीन एग्रीड अपॉन,
ऐसी जगह जहाँ पे किसी इशू को लेकर मीटिंग की जाती है उसको हम मिलन स्थल मीटिंग स्थल भी बोलते हैं। इसको आप लोग पढ़िए, लर्न करिए और अपने क्लास और काम में इसको नोट करिए। थैंक यू।